आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। दोस्तों तो काफी टाइम बाद आज वीडियो बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा चीजों के अंदर थोड़ा सा फंस गया था तो वहां से निकल नहीं पा रहा था, तो इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। तो लेकिन अब से ट्राई करूंगा कि रेगुलरली वीडियो में डालना स्टार्ट करूं, रेगुलरली वीडियो अपलोड करूं। तो ये जो वीडियो रहने वाली है, थोड़ा सा मैंने सोचा कि काफी सारे जो मैसेजेस आ रखे थे मेरे पास और कमेंट्स आ रखे थे, वो ये थे कि जो मेरे पर्सनल जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं थोड़े से उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई जाए। तो उसी को सोचते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए आपसे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे मेरी कुछ लर्निंग रही है, आपको भी कुछ लर्निंग मिले, वो वीडियोस मैं बनाऊंगा। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, कुछ वीडियोस के साथ। और बाकी तो वीडियोस आती रहेंगी, जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं वो तो चलती रहेंगी साइड बाय साइड। और ये वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इस तरीके की वीडियो भी आप लोगों के साथ बनाई जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो बात है, ये है बहुत पुराने जमाने की बात, यानी मेरे आर्टिकलशिप की बात, ठीक है। आर्टिकलशिप में क्या होता है, मैं सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में होता हूँ, खत्म होने वाली होती है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाने वाला होता हूँ, एंटर करने वाला होता हूँ, एक ऑडिट करके आता हूँ। 2 महीने का ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट, और 2 सेमी क्वालिफाइड भी मेरे साथ होते हैं, मतलब वो भी टीम के अंदर होते हैं और मैं होता हूँ। तो हमने जो ऑडिट होता है वो कंप्लीट करा होता है, ऑडिट कंप्लीट करके 2 महीने बाद वापस आते हैं, पीपीटी बनाकर मैं अपने डायरेक्टर को सेंड कर देता हूँ, कॉल करते हैं कि सर जी हमने आपको पीपीटी सेंड कर दिया विद फुल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन के साथ, सारी चीजों के साथ बढ़िया तरीके से ऑडिट करके आए। कहते हैं हमसे, पूछते हैं हालचाल, पूछते हैं कैसा रहा ऑडिट, कैसा रहा, क्या रहा। हमने कहा बहुत बढ़िया रहा, लेकिन वो ड्यू टू सम रीजन जो भी था उनका, अनफोर्सिन रीजन, उनकी वजह से कुछ दिक्कत थी, तो उस वजह से वो जो चीजें हैं, वो जो रिव्यू है उसको कर नहीं पाते, ठीक है। और कुछ दिनों बाद हमारी जो थी वो मीटिंग थी क्लाइंट के साथ, जो डायरेक्टर थे उनके एमडी थे, जो डायरेक्टर थे, जो भी बड़े बड़े बंदे थे उनके साथ मीटिंग थी, जो भी रिपोर्ट के अंदर हम 2 महीने जो हम लगा के आए हैं उसका डिस्कशन होना था कि क्या क्या पॉइंट्स हैं और उसके बारे में डिस्कशन होना था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो जो मेरे डायरेक्टर थे वो रिव्यू कर नहीं पाते, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ड्यू टू सम रीजन। उसके बाद क्या होता है कि वो हमें कॉल करते हैं, कहते हैं कि मीटिंग की डेट, मतलब जिस दिन मीटिंग की डेट होती है, जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन कॉल करते हैं, कहते हैं कि एक काम करना आप, ये लोग 1 घंटा पहले आ जाना और मेरे को जो रिपोर्ट है उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, जो पीपीटी है उसको एक्सप्लेन कर देना। मैंने कहा ठीक है सर, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाना 1 घंटा पहले और हम भी आ जाएंगे 1 घंटा पहले, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे हम पहुंचते हैं पीपीटी के साथ, उनको बोलते हैं कि सर ये रही हमारी पीपीटी, वो जैसे पीपीटी खोलते हैं वो देखते हैं पॉइंट्स, कहते हैं क्या पॉइंट लिख के लाए हो, रद्दी पॉइंट, क्या ऑब्जर्वेशन है तुम लोगों की, सर यही पॉइंट मिले, कह रहे हो भाई ये पॉइंट होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू स्टैम्प नहीं है, तुम्हें रेवेन्यू स्टैम्प का पॉइंट निकाल रखा है, ठीक है, और तुमने ये निकाल रखा है कि छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी सी गलतियां निकाल रखे, मतलब ऐसी ऐसी गलतियां थी कि कोई भी शर्मा जाए, ठीक है। तो अब इस तरीके से छोटी छोटी गलतियां हमने क्या करी, उसको इकट्ठी करके ऑब्जर्वेशन बनाया और पीपीटी लेकर चले गए। उसमें एक अच्छा पॉइंट था जो उन्होंने देख लिया, उन्होंने देखा कि एक फेमा का पॉइंट है, फेमा का एक नॉन कंप्लायंस हम लोगों ने निकाल रखा था, तो बोलते कि ये उन्होंने पूछा इसके बारे में, समझाओ भाई क्या पॉइंट है, हमने समझाया क्या पॉइंट था, समझाया, वो कहते कि ठीक है एक पॉइंट तो चलो बढ़िया निकाला तुम लोगों ने, बाकी पूरी रिपोर्ट रख दी। अब वो कह रहे हैं मतलब हम लोग ये सोच रहे कि 1 घंटे के अंदर बोलना क्या है, वो कहते हैं यार ये पॉइंट तो मैं डायरेक्टर के सामने बोलूंगा नहीं कि तुम यार ये फुद्दू से पॉइंट जो निकाल के लाए हो, ये तो मैं बोलूंगा नहीं डायरेक्टर के सामने। तो उन्होंने बोला कि अब हम भी सोच में पड़ेगा हम क्या करें अब इसके अंदर। हमने कहा कि सर कुछ कैसे क्या कर सकता जा सकता है, कह रहे तुम रहने दो मैं देख लूंगा। हमने कहा पता नहीं क्या होने वाला मीटिंग के अंदर। वो क्या करते हैं, आधा घंटा रिपोर्ट के ऊपर लगाते हैं, आधा घंटा बाहर चले जाते हैं, बाहर जाते हैं मस्ती में घूम घाम कर वापस आ जाते हैं जब टाइम हमारा हो जाता है, ठीक है। इसी टाइम होता है मीटिंग स्टार्ट होती है, हम तो डर रहे होते हैं तीनों के तीनों के भैया ये रिपोर्ट हमें आज लेट डूबेगी, बेइज्जती कराएंगे आज हम, बेइज्जती के साथ यहाँ से घर से वापस जाएंगे। बट होता कुछ उल्टा है। अब होता क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ रहस्य में, ठीक है। होता क्या है कि पॉइंट स्टार्ट होता है, मीटिंग स्टार्ट होती है, जो रिपोर्ट होती है वो लगती है स्क्रीन पर। कैसे स्क्रीन पर रिपोर्ट लगती है, मेरे को मतलब मेरे पास लैपटॉप होता है, पहला पॉइंट खुलता है फेमा, तो फेमा नॉन कंप्लायंस। अब उसमें क्या होता है, फेमा का जो नॉन कंप्लायंस होता है उसके अंदर होता तो बहुत छोटा नॉन कंप्लायंस है वो, लेकिन उसके इर्द गिर्द इतनी चीजें उन्होंने, जैसे उन्होंने स्टार्ट करा वो कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस बताना, उन्होंने इतनी चीजें बता दी उसके आसपास इतनी चीजें बता दी कि हम लोग भी नहीं सोच पा रहे थे यार ये चीजें भी हो सकती हैं। मतलब उन्होंने इतनी चीजें बता दी, इतने नॉन कंप्लायंस बता दी, इतनी पेनल्टी बता दी, इतनी ये चीज बता दी, तुम्हारी ये दिक्कत है यहाँ पे, ये दिक्कत आ जाएगी इसकी वजह से, तुम्हारा ये फॉरेन वाली पार्टीज इसमें ये दिक्कत आ सकती है, सारी एक्सपोर्ट तुम्हारा बंद हो सकता है, तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है, ऐसी दिक्कतें बता दी कि यार हम लोगों को भी लगा भैया ये कहां से आता है पॉइंट, ठीक है।
एक पॉइंट को इतना इतना बना दिया उन्होंने, इतने मतलब इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने उस पॉइंट को रखा और इतनी चीजें बता दी उसके आसपास कि ऑनेस्टली पूरा का पूरा जो टाइम है हमारा, जो स्लॉट था एक घंटे का था मीटिंग का, पूरा का पूरा एक घंटे का टाइम उसी में निकल गया, पूरे मतलब मेजरली उसी में निकल गया हमारा, पूरा का पूरा एक ही पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हुआ, बाकी तो कोई और सोच ही नहीं पा रहा था कुछ और, कि भैया ये तो इतना बड़ा पॉइंट है कि साला कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि वहां पर आप देखो कि क्या हुआ कि उन्होंने अपना जो प्रेशर है, प्रेशर में नहीं आए, सबसे पहली चीज तो प्रेशर में नहीं आए कि यार ये सोचे, क्योंकि यार देखो बड़े बड़े जो बेसिकली वो जो क्लाइंट था वो लिस्टेड क्लाइंट था, ठीक है। अब वहां पे अगर एमडी का आप टाइम ले रहे हो, एक घंटे का टाइम ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि किसी का भी कुछ भी टाइम ले लोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर वो प्रेशर में आ जाते तो उस दिन हम अपनी धज्जा उड़ा के आते घर पे वापस, लेकिन उस दिन हम अपनी नाक ऊपर करके आए कि भैया ऐसा पॉइंट निकाल दिया कंपनी के अंदर, तो देवर ऑल्सो शॉक्ड कि भैया ऐसा पॉइंट भी हो सकता है। तो उस पॉइंट की वजह से हम लोग वहां से इज्जत के साथ वापस आए। तो उस दिन काफी सारी चीजें मेरे को सीखने को मिली। सबसे पहली चीज यार कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, ठीक है। कुछ भी है, कुछ भी सिचुएशन है, कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। प्रेशर में मत आओ कभी भी, सेकंड जो है प्रेशर में मत आओ कभी भी, वो अगर आप प्रेशर में आ जाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी और आपका जो भी मीटिंग है, कुछ भी काम के लिए जा रहे हो वहां पर वो प्रॉब्लम करेगा। तीसरी जो चीज है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो है एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगता है यार उस दिन जो काम आया ना वो आया एक्सपीरियंस हमारे साथ। हम जो थे हम नहीं सोच पाते इतना, कि कोई भी होता हम सोच ही नहीं पाते किस तरीके से उसको, उस समय पे जो काम आता है वो आता है एक्सपीरियंस। जो उनके पास एक्सपीरियंस था उसके बदौलत वो उस चीज को, सिचुएशन को हैंडल कर पाए, उसके अंदर वो किस तरीके से उन्होंने वो जो डेफिशिएंसी बताई कहाँ से कहाँ घुमा घूम के, वो जो उनके पास नॉलेज थी एक्सपीरियंस था उसकी वजह से हमारे पास वो चीज, मतलब कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं हम सोचते हैं ना कि यार, जैसे कि कभी बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो एक्सपीरियंस ऑनेस्टली मैटर करता है, ठीक है। भले आपके पास जैसी मर्जी नॉलेज हो, जितना मर्जी नॉलेज हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना तो आप उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है वो बखूबी जान जाओगे। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो जब हम देखते हैं ना कि वैकेंसी फॉर, अब उसमें ये नहीं बोलते कि इसमें क्या करा हुआ है, क्या कैसे करा हुआ है, लेकिन आप देखोगे वैकेंसी लिखी होती है 5 से 10 साल की एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। वो एक्सपीरियंस जो होता है ना वो मैटर बहुत ज्यादा करता है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि उस 5 से 10 साल में आपने क्या करा, डजंट मैटर। आपके पास एक्सपीरियंस है इसका मतलब आप इस पोजीशन के लायक है। आप मैनेजर की पोजीशन है, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसका मतलब आप पोजीशन के लायक है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। क्या लर्निंग है, क्या कैसी क्या क्या चीजें हैं वो तो हम आपसे पूछ ही लेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसलिए अगर आप बोलोगे यार मेरे पास तो 1 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन मैं वहां पे तो इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप उस पोजीशन के लायक नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है वहां पे। मेरे को उस दिन ये चीज समझ में आई और मुझे समझ में आया कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो काफी बढ़िया लर्निंग हुई और जब हम बाहर निकले प्राउडली, मैंने कहा सर ये तो आपने कमाल कर दिया, मैंने हमें भी सिखाओ, इसके तो पैसे लगते हैं भाई। कोई बात नहीं, मतलब मजाक के साथ कह रहे थे, बट यस हमें चीज समझ में आई कि किस तरीके से चीजें हमें हैंडल करनी चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से कामनेस, मतलब उस दिन बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली। तो आई होप आपको ये लर्निंग, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके कुछ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। और अगर वीडियो आपको यार पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे, बाकी कमेंट करके मेरे को बताना कि किस तरीके की आपको और तरीके की कुछ आपको लगता है कि कुछ अलग तरीके का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ, या कुछ आपको कुछ लगता है कि यार कुछ भी है यार आपके मन में, कुछ भी आपको कमेंट करना है वो कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।